हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th में। बच्चों, हम मैथ्स करेंगे आज। चैप्टर हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर को करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.2 चल रही है। कुछ क्वेश्चन हमने किया था, देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, जो कि आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। ये आपको दो समीकरण युग्म दिए हुए हैं, इनमें a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की आपको तुलना करनी थी, और फिर बताना था कि भाई जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो संगत है या असंगत है, ये बताना था। तो इसमें से जिसने भी किया है ये क्वेश्चन, आंसर बताइए कि क्या जो ये रैखिक समीकरण युग्म है ये संगत है या असंगत है। तो कुछ क्वेश्चन हमने इसके किए भी थे बच्चों, इसको जल्दी से आंसर भेजिए, अपना चैट के माध्यम से अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम a1 बाय a2 कितना है, 4/3/2/1 हम लिख सकते हैं। अब बाहर वालों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो ये अंदर वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 × 4, ये आ गया 2/3। अब b1 बटे b2 देखेंगे तो 2/3 है, तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर हैं, इसीलिए हम c1 बटे c2 को भी चेक करेंगे, तो ये 8/12 आ गया। कैंसिल आउट करेंगे, 4 × 8, 4 × 12, ये भी 2/3 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, इसीलिए क्या है ये इसके, देखिए चलते हैं हम वापस से टेबल पे। तो यहाँ पे तीनों इक्वल किस कंडीशन में होंगे, जब मैनी सॉल्यूशन होंगे और कोइंसिडेंट होंगे रैखिक समीकरण युग्म। तो आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर ये क्या है, संगत होंगे। ये क्यों होंगे संगत, क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, तो अगर एक भी सॉल्यूशन हुआ तो उसको संगत बोलेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे करेंगे, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या फिर असंगत, मतलब कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। अब बोला गया है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से
तो आपको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है इसका बच्चों, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट यहां पे मैं बता देता हूं आपको, x प्लस वाई बराबर है 5 और 2x प्लस 2y बराबर है 10। इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आता है इसका। तो बच्चों सबसे पहले इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे हम कि ये संगत है या असंगत है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, a1 बाय a2 कितना है 1/2, फिर b1 बाय b2 ये भी 1/2 है, और c1 बाय c2 ये 5/10 है। कैंसल आउट करके इसको भी 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे बिकॉज a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, ये तीनों बराबर हैं, तो इसीलिए देयरफॉर क्या होगा, ये संगत होगा, इसके जो रैखिक युग्म हैं वो संगत होंगे। तो संगत होंगे तो अब हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से इसके हल ज्ञात करने हैं। संगत होंगे मतलब इसके हल होंगे, तो कितने हल होंगे भाई, ये अगर तीनों बराबर आ जाएं तो बोलते हैं मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे हल होंगे इसके, ठीक है। तो बहुत सारे हल कैसे होंगे, देखिए सबसे पहले हम x प्लस वाई बराबर है 5, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे, है ना, x और y। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर है 10, इसकी हेल्प से x और y निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अगर पहले समीकरण में y की वैल्यू रख देते हैं 0, तो x क्या आ जाएगा, तो x देखिए x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो x 5 ही होगा, x यहाँ पे 5 आ जाएगा। और अगर मैं y को रखूं 5, तो x कितना आ जाएगा, x 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि अगर y 5 है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर y है 5 तो x प्लस 5 बराबर है 5 हो जाएगा, और x बराबर है 5, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ही आ जाएगा 0। तो यहाँ पे इसी तरह अगर दूसरी कंडीशन में मैं क्या करता हूं, जो y है, y को अगर मैं 0 रख दूं, y को 0 रख दूं, तो x कितना आ जाएगा, x 10 आ जाएगा, x आ जाएगा 5, y को 0 रखने पे x 5 आ जाएगा बच्चों। कैसे आ जाएगा देखिए, टू एक्स प्लस 2y की जगह 0 रख दिया बराबर है 10। अब हम 2x कितने किसके बराबर लिख सकते हैं, 10, तो x किसके बराबर जाएगा, 10/2, ये 5 आ गया, है ना। और अगर हम y को 5 लिखते हैं, y 5 हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करके देख लीजिए, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चों, हैं कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इसकी हेल्प से हम ग्राफ बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए, 5 0 0 5, दोनों के कोऑर्डिनेट्स यही आए हैं, है ना, दोनों समीकरण के 5 0 और 0 5, दूसरे समीकरण के भी यही आए हैं सेम कोऑर्डिनेट्स 0 5। तो ये चीज हमें यहाँ से पता लगती है कि लाइंस एक ही जगह ड्रॉ करेंगे हम दोनों की, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स भी सेम आए हैं। यहाँ पे अब इनको लिखेंगे तो पॉइंट्स को 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5,
एक्स अब यहां पे देखिए कि सबसे पहला कोऑर्डिनेट है x है यहाँ पे 5 और y है 0, ठीक है, यहाँ पे x 5 और y 0, इसलिए ये पॉइंट हो गया 5 और 0 आप बोल सकते हैं। अब 0 5 के लिए x 0 है y 5 है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 5 के लिए। अब दोनों ही कंडीशन में यही कोऑर्डिनेट्स हमारे रहेंगे तो पॉइंट्स यही रहेंगे, ये लाइन बन गई। अब दूसरे केस में देखेंगे तो यहाँ भी 5 0 है तो इधर आएगा, ये 5 0 है तो ये भी यही पॉइंट आएगा और ये 0 5 है तो यही आएगा पॉइंट। तो एक और लाइन जो बनेगी वो इसी के ऊपर बनेगी, है ना, इसी के ऊपर लाइन बनेगी। तो जो इसके ऊपर लाइन बनेगी तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन निकल के आएंगे, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, यही आपको दिखाना है बताना है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो ये है हमारे पास समीकरण युग्म। इससे पहले चेक करो संगत होगा या असंगत होंगे इनके युग्म, और अगर संगत होते हैं तो उनके हल निकालेंगे। चलिए इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो a1 बाय a2 कितना होगा, 1/3। अब अगर हम b1 बाय b2 चेक करें तो वो कितना होगा, -1/-3, तो ये भी 1/3 आ जाएगा, है ना। अब c1 बाय c2 हमें करना है तो ये 8/16 होता है, ये कितना हो जाएगा, 1 8 16, 1/2। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि ये a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है c1 बाय c2 के। तो ये कौन सी कंडीशन बनती है, चलिए चेक करते हैं। ये कंडीशन देखिए, जब a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के और ये c1 बाय c2 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे बनती है असंगत, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये होंगे असंगत। तो हमें यहाँ पे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है स्टूडेंट्स अगला रैखिक समीकरण युग्म। इसको चेक करेंगे पहले, तो उसके बाद अगर संगत हुआ तो ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे। इसको करिए सॉल्व। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, आप कैसे करेंगे,
A1 by A2 कितना है, 2/4 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 1/2 बच जाएगा। B1 by B2 कितना हो जाएगा, 1/-2। तो देखिए -1/2 है और 1/2 है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज A1 by A2 is not equal to B1 by B2। इस केस में क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है, इसीलिए ये क्या संगत इसको बोल सकते हैं। अब अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल निकालेंगे इसका, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो इसका है। करते हैं फिर आगे, 2x + y - 6 = 0, इसके लिए सॉल्व करते हैं पहले। तो अगर हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू देखें तो कितनी आ सकती है, 6 - y/2, यही आ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम y को जीरो रख दें तो x कितना आ जाएगा, 6/2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 आ जाना चाहिए। अब अगर y को हम 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होके ये भी 2 आ जाएगा, है ना। इसी तरह अगर हम समीकरण 1 को देखते हैं, 4x - 2y - 4 = 0, यहाँ पे x कितना होगा, 4 + 2y/4, यही होगा। इस केस में हम हल निकालते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड आउट करेंगे x और y के, तो y की वैल्यू 0 रखने पे x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और अगर y की वैल्यू 2 रखेंगे हम तो 4 + 4 = 8 और 8/4 = 2 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, 3 0 and 2 2, और दूसरी जो रेखा है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 0 and 2 2। अब इसका ग्राफ बना के देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, 1 2 और 3, 1 2 और 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले 3 0 है, x 3 है और y 0 है, ये हो गया। दूसरा है 2 2, तो 2 x का और 2 y का कुछ यहाँ पे आएगा, 2 और 2, ठीक है। तो हमारे पास एक लाइन आ जाएगी जो कि है यहां से पास होती है, ठीक है, ये लाइन यहां से पास होती है। अब इसी तरह दूसरे कोऑर्डिनेट देखेंगे तो x 1 है और y 0 है, तो यहां पे आ गया और 2 2, ये यहां पे ही हो गया, ये हमारे पास लाइन कुछ ऐसी आ गई, ये जो 2 2 पॉइंट है, ये तो हो गया 2 2 और ये हो गया 1 0। तो ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपने देखा किस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, और अलग अलग तरह से देखिए मेथड आपके वही यूज हो रहे हैं, बेसिक चीजें वही हैं, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दिए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आपने बेसिक्स अच्छे से किए हुए हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कवर किए थे, तो क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे आप। होमवर्क अपने करते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।